सेक्स एजुकेशन का सीजन 1 ओटिस मेलबर्न और मोरडेल सेकेंडरी स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स पर बेस्ड होता है। जब सेक्स की बात आती है तो ओटिस के मन में कुछ उलझने होती है, क्योंकि उसकी सिंगल माँ जीन बहुत ही खुले और आजाद विचारों वाली सेक्स थेरेपिस्ट है। अब ओटिस ने काफी कम उम्र में अपने पिता को अपनी माँ को धोखा देते देखा है, जिसका उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ा है। ओटिस का सबसे अच्छा दोस्त होता है एरिक, जो एक रिलीजियस घनेनियन नाइजीरियन फैमिली से है और वो एक गे होता है। वही ओटिस का क्रश मेयर विली होती है, जो एक इंटेलिजेंट लड़की होती है, लेकिन उसकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उसकी यही जिंदगी उसकी लाइफ में सबसे बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉइंट होता है। इसके अलावा स्कूल में हेड बॉय जैक्सन मार्चेटी भी है, जो अपने माँ बाप की ऊंची उम्मीदों के बीच सिर्फ एक बच्चा बनके स्ट्रगल करता है। इसके अलावा एडम ग्रॉफ हेडमास्टर का बेटा होता है, जो अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने बाप के स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से बाकी स्टूडेंट को डरा धमका कर अपना गुस्सा निकालता है। और इन सब के अलावा कहानी में एमी गिब्स होती है, जो एक पॉपुलर और मतलबी लड़कियों के ग्रुप की मेंबर है, जिस ग्रुप को अनटचेबल्स कहा जाता है, लेकिन सीक्रेटली वो मेव की बेस्ट फ्रेंड भी है और लोगों को काफी हद तक खुश रखती है। अब इस अनटचेबल ग्रुप के बाकी मेंबर्स में रूबी, ओलिविया और अनवर भी होते हैं। अनवर स्कूल का इकलौता गे स्टूडेंट है जिसने खुद को पब्लिकली एक्सेप्ट करा हुआ है, और साथ ही अनवर पर एरिक को क्रश होता है। वही एक लिली नाम की लड़की है जो सबसे हटकर है, साथ ही किसी अजीब सी एलियन इरोटिका की राइटर भी है। इसके अलावा उस पर एक अलग सा फितूर चढ़ा हुआ है कि उसे जल्द से जल्द अपनी वर्जिनिटी को खोना है। अब सीजन 1 में ओटिस का मेव पर क्रश आने लगता है, लेकिन इस सबसे हट के वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्कूल में एक सेक्स थेरेपी क्लिनिक खोलेंगे, ताकि वो स्कूल के बच्चों को सेक्स और रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सके और साथ ही पॉकेट मनी बना सके। अब क्योंकि ओटिस की माँ ऑलरेडी एक सेक्स थेरेपिस्ट है, तो उसे इस बारे में काफी हद तक नॉलेज भी है, तो इसी नॉलेज को यूज करते हुए वो ये सब करेगा। और वहीं मेव बिजनेस पर ध्यान देगी, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है जिसे वो रेंट पे कर सकेगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स और उसका बड़ा भाई उसकी लाइफ से हमेशा अलग ही रहते हैं। जिसके बाद क्लिनिक को काफी अच्छी सक्सेस मिलती है। ओटिस बहुत से स्टूडेंट की मदद करता है, जहां वो एमी को सिखाता है कि दूसरों के लिए जीने से अच्छा उसे खुद से प्यार करना सीखना होगा और अपनी बातों और ख्यालों के बारे में खुद से खुद के लिए समझना होगा। इस सब से एमी अपने अनटचेबल ग्रुप को छोड़कर पब्लिकली मेव से दोस्ती करती है, साथ ही अपने बुली करने वाले बॉयफ्रेंड एडम से रिश्ता तोड़कर स्टीव के साथ चली जाती है, जो उसे एडम से ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। ओटिस लिली की भी मदद करता है उसकी वर्जिनिटी खोने को लेकर उसका पागलपन और दूसरी अंदरूनी चिंताओं को दूर करने में, लेकिन ओटिस और मेव के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड एरिक और उसके बीच मन मुटाव होने लगते हैं। थ्रू आउट द सीजन एरिक वापस से अपनी रिलीजियस फैमिली बिलीव में जुड़कर माँ बाप का प्यार रियलाइज करता है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी असलियत के साथ पूरे स्कूल के सामने आता है। और वही बुली एडम, जो एमी का एक्स होता है, उसके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में भी आ जाता है, और ये रिलेशनशिप बहुत ही कम वक्त के लिए होता है, क्योंकि एडम के फादर उसे मिलिट्री स्कूल भेज देते हैं। ओटिस की कुछ बातों और कुछ अनकही एडवाइस की वजह से जैक्सन का मेव के साथ रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। ये जैक्सन के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो खुद को एक टीनेज लाइफ में इन्वॉल्व कर रहा था, वरना सिर्फ पानी के आसपास उसकी लाइफ निकल रही थी, डेली स्विमिंग और प्रैक्टिस के इर्द गिर्द ही रहता था, लेकिन अब वो पार्टी कर सकता है और एक टीनेजर्स की तरह अच्छे से जी सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी कोशिश करने के बाद भी मेव को वो फीलिंग्स महसूस नहीं हो रही थी, तो सीजन के एंड आते आते मेव और जैक्सन का ब्रेकअप हो जाता है। मेव पूरा सीजन अपने आप को बेहतर करने में निकाल देती है और वापस से अपने एकेडमिक्स पर ध्यान देती है। उसकी राइटिंग स्किल्स उसको यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप दिलवा सकती थी, लेकिन क्योंकि जो ऐसे उसने एडम की मदद करने के लिए लिखा था वो उसके लिए एडम को अवार्ड मिल जाता है। अब मेव की जो ये नई अचीवमेंट है वो डर में तब बदल जाती है जब उसका बड़ा भाई, जो कि अपने आप एक मुसीबत है, वो लौट आता है और स्कूल की डांस पार्टी में उसको ड्रग्स बेचते पकड़ा जाता है। और हेडमास्टर ग्रोव को लगता है कि मेव और ओटिस जो क्लिनिक वाला डोंगरा चाह रहे हैं वो असल में स्कूल में ड्रग्स बेचने का जरिया है, जिसके बाद वो मेव को एक्सपेल कर देता है। इसके अलावा ओटिस अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो देखता है कि उसकी माँ अपनी अगली बुक पर काम कर रही होती है, जो कि ओटिस से रिलेटेड ही होती है, जिसमें उसकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है। इसके बाद वो जब अपनी मॉम का सामना करता है तो दोनों के बीच रिश्तों में सुधार आता है। अब जैसे ही सीजन 1 खत्म होने के करीब आता है, मेव जैक्सन के साथ ब्रेकअप से उभरती है और फाइनली रियलाइज करती है कि उसकी ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स जो है वो ओटिस के लिए है। और जैसे ही वो अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए ओटिस के घर जाती है, तो वहां जाकर पता लगता है कि ओटिस मेव से मूव ऑन कर चुका है और नई लड़की ओला के साथ रिलेशनशिप में आ चुका होता है। लेकिन ओटिस और ओला को ये नहीं पता होता कि उन दोनों के पेरेंट्स जीन और जैकब भी है, जो दोनों आपस में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसके वजह से सिचुएशन और भी भयंकर हो सकती है, क्योंकि उस हिसाब से ओटिस और ओला दोनों सौतेले भाई बहन हुए। और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो सेक्स एजुकेशन की सीजन 2 में मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स नई क्लासेस में आ चुके थे, ओटिस और ओला के रिश्ते और भी ज्यादा। वहीं उन्हें जब पता लगता है कि उनके पेरेंट्स जीन और जैकब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो जैकब और ओटिस के बीच अनबन सी रहने लगती है। अब ओटिस और उनकी मॉम के बीच चीजें और भी ऑकवर्ड तब हो जाती है जब उन्हें पता लगता है कि हेडमास्टर ग्रूफ जीन को मॉडल की न्यू सेक्स एजुकेशन टीचर बनाना
चाहते हैं। दूसरी ओर अब जहां मेव को एक्सपेल कर दिया गया था, तो इंग्लिश टीचर मिस सैंड्स मेव की मदद करती है और वो हेडमास्टर ग्रूव को मना लेती है कि मेव को वापस स्कूल लाया जा सके। जैसे ही मेव स्कूल वापस आती है, ओटिस और मेव फिर से अपना क्लिनिक रीस्टार्ट करते हैं। पर जीन के स्कूल में होने से स्टूडेंट्स को वो सारी एडवाइस प्रोफेशनली और फ्री में मिल रही थी, जिसके लिए उनको ओटिस को पैसा देने पड़ते थे। इसकी वजह से उनके सेक्स क्लिनिक वाले बिजनेस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा मेव और ओटिस की क्लोज फ्रेंडशिप और बिजनेस पार्टनरशिप देखकर ओटिस और ओला के रिलेशनशिप में भी टेंशन क्रिएट होने लगती है। वहीं एरिक अभी भी अपने और एडम के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा होता है, जो वैसे ही काफी कम वक्त के लिए था क्योंकि एडम को मिलिट्री स्कूल भेज दिया गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉडल हाई स्कूल में एक नया फ्रेंच स्टूडेंट आया है जिसका नाम रहीम है, और पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पर रहीम की नजर सिर्फ एरिक पर होती है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इनका रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब एडम को मिलिट्री स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास ड्रग्स मिली थी। एक्चुअली उसको फंसाने के लिए किसी ने वहां पर रखी थी, तो एडम को एक्सपेल कर दिया जाता है और वो किसी शॉप में जॉब ले लेता है। तो एरिक इन दोनों के साथ रिलेशनशिप में फंस जाता है, जहां एक तरफ रहीम उसे दुनिया के आगे कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल रिलेशनशिप देता है, वहीं दूसरी तरफ एडम के फादर के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स में वो एडम के साथ अपने रिश्ते को तलाशता है। इस सब के अलावा एमी अब अपने अनटचेबल ग्रुप से अलग हो चुकी थी और खुद के बारे में चीजें सोच रही थी कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होने लगता है, जिसके बाद एमी इस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही थी। इवेंचुअली वही मॉडल स्कूल की गर्ल्स ग्रुप से उसको सपोर्ट मिलता है और वो धीरे धीरे अपने डर को ओवरकम करती है। दूसरी ओर जैक्सन अभी भी अपने टूटे दिल के साथ घूम रहा था क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था मीव के साथ, साथ ही उसके मॉम का दिया हुआ स्विम स्टार बनने वाला प्रेशर उसे अंदर से खाया जा रहा था। इसके बाद वो डिप्रेशन में आके खुद के हाथ को चोट पहुंचा लेता है ताकि उसे स्विमिंग से थोड़ा ब्रेक मिल जाए, और सबको यही बहाना लगाता है कि उसका ये हाथ एक्सीडेंट होने की वजह से टूट गया था। लेकिन इस सब के बाद उसे फ्यूचर की चिंता सताने वाली थी क्योंकि अब वो स्विमिंग नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसको अपने एकेडमिक्स में और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और उसकी साथी स्टूडेंट वीव उसे टॉर्चर भी करती है। असल में उसने वीव को रिलेशनशिप एडवाइस दी थी, तो बदले में वीव ने जैक्सन की हेल्प करी थी उसके न्यू इंटरेस्ट एक्टिंग में स्कूल प्ले में एक लीड रोल एज ए रोमियो दिलवाकर। तो इवेंचुअली वीव को जब पता लगता है कि जैक्सन ने कैसे जानबूझकर अपने हाथ में चोट मारी थी, तो वो ये सब जैक्सन की मॉम को बता देती है, जिसके बाद पहले तो जैक्सन उसके इस फैसले पर काफी गुस्सा होता है, लेकिन बाद में जब वो थेरेपी लेना स्टार्ट करता है तो अपनी मॉम से सच कन्फेस कर लेता है और अपनी सारी फीलिंग्स बता देता है, जिसके बाद उसकी मॉम को उसकी बातें समझ में आती है और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। साथ ही वीव के साथ भी उसकी दोस्त और अच्छी और गहरी हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओटिस के डैड रैमी कुछ दिन के लिए वापस ओटिस के साथ रहने और वक्त बिताने आए हैं, और इससे ओटिस को बहुत खुशी होती है। लेकिन जीन और जैकब के रिलेशनशिप में थोड़े खलल आने लगते हैं क्योंकि रैमी के सामने अच्छा दिखने के चक्कर में जीन को इस तरह के अच्छे और हेल्दी कमिटेड रिलेशनशिप में रहने की आदत नहीं थी, तो जैकब के इतने ज्यादा क्लोज आने से परेशान होने की वजह से वो रैमी को किस कर लेती है और जैकब के साथ उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। जिसके बाद जीन को अपनी गलती का एहसास होता है और उसको रियलाइज होता है कि उसका सच्चा प्यार जैकब ही है, पर जैकब इस बात पर विश्वास नहीं करता। जीन अब ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसे सच में एक रिलेशनशिप की जरूरत थी, लेकिन इन सभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। यही नहीं, उसी दौरान उसे एक चीज और पता चलती है कि उसका बेटा स्कूल में एक सीक्रेट क्लिनिक चला रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा गैर कानूनी और गलत है। लूसी और ओटिस बहुत ही खुश रहने लगा है क्योंकि उसके फादर उसके लाइफ में वापस आ गए थे, लेकिन जल्द ही ओटिस को ये पता चल जाता है कि उसके डैड ओटिस के लिए वापस नहीं आए, बल्कि उसकी नई वाइफ ने उसको निकाल दिया था क्योंकि वो उसको भी चीट कर रहा था। वहीं ओला को शक होता है कि और मेव के बीच बिजनेस और दोस्ती से हटके भी कुछ और चीज चल रही है, तो वो ओटिस को बोलती है कि मेव को अपनी जिंदगी से दूर कर दे, और वो उसकी बात मान लेता है। हालांकि वहीं ओला को रियलाइज होता है कि वो पैनसेक्सुअल है और उसके मन में लिली के लिए फीलिंग्स है, जिसके बाद ओला और ओटिस का ब्रेकअप हो जाता है और एक पार्टी में ओटिस खूब पी लेता है, और पीने के बाद वो ओला और मेव दोनों की इंसल्ट करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओटिस अनटचेबल ग्रुप की एक मेंबर रूबी के साथ सीक्रेटली इंटीमेट होता है। इसके अलावा ओला और लिली अपना रिलेशनशिप शुरू करते हैं, साथ ही ओला की दोस्ती एडम से हो जाती है क्योंकि वो दोनों सेम स्टोर पे काम करते थे। जिसके बाद मेव की मॉम वापस आ जाती है उसकी छोटी सौतेली बहन एलसी के साथ, और मेव के साथ वादा करती है कि वो सब ठीक कर देगी और एक नई जॉब ढूंढेगी ताकि वो उस ट्रेलर जैसे घर से निकलकर एक नए अच्छे घर में रह सके। पहले मेव को थोड़ी घबराहट होती है, पर वो अपनी माँ पर यकीन कर लेती है ताकि वो अपने इस बचे हुए बिखरे परिवार को समेट सके। जिसके बाद मेव ओटिस के साथ, जिसे वो सीक्रेटली चाहता भी है,
उसके सेक्स क्लिनिक को और अच्छे से संभालती है। साथ ही मेयू स्कूल की क्विज टीम को ज्वाइन करती है। थ्रू आउट द सीजन धीरे धीरे मेयू अपनी टीममेट्स पर भरोसा करने लगती है और नेशनल चैंपियनशिप जितवाने में उनकी मदद करती है। वहीं मेव का पड़ोसी आइजैक देखता है कि मेव की मॉम एरिन ड्रग्स ले रही है और वो ये बात मेव को बता देता है, जिसके बाद मेव को फिर से डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है और वो सोशल सर्विस वालों को कॉल करके अपनी माँ के लिए मदद मंगवाती है और अथॉरिटीज एरिन और उसकी बेटी एलसी को लेकर चले जाते हैं। इसके अलावा हेडमास्टर ग्रूफ और उसकी वाइफ मोरेन के बीच भी चीजें बिल्कुल ठीक नहीं चल रही होती, क्योंकि उन दोनों के बीच आपसी लगाव और फीलिंग्स एक दूसरे के लिए पहले जैसे नहीं थे। जिसके बाद जब मोरेन जीन से इस बारे में बात करती है और फ्रेंडशिप के तौर पर एडवाइस थेरेपी लेती है, तो ग्रूफ जलन के मारे जीन के थेरेपी नोट्स की कॉपी करके पूरे स्कूल में स्प्रेड करवा देता है, जिससे पूरे स्कूल में हलचल मच जाती है। तो सीजन का फिनाले आते आते स्कूल का प्रोडक्शन एक्ट रोमियो और जूलियट ऑर्गेनाइज होता है। जैक्सन को परफॉर्मेंस करने से पहले एंग्जाइटीज होने लगती है, तो वीव और उसकी मॉम आकर उसे सपोर्ट करती है, जिससे उसकी हेजिटेशन कम हो जाती है और वो रोमियो एक्ट प्ले करने के लिए रेडी हो जाता है। प्ले की डायरेक्टर लिली ने पूरा नाटक इस तरह बनाया था जो बहुत बढ़िया और सेक्सुअली क्राफ्टेड होता है। ये सब देखकर हेडमास्टर ग्रूफ को स्कूल बोर्ड के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और वो परफॉर्मेंस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका बेटा एडम स्टेज पर चढ़ जाता है और पब्लिकली एरिक के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, जिससे पूरा शो धीमे हो जाता है और एरिक भी रिस्पॉन्स में उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये सब देखकर हेडमास्टर ग्रूफ सबके सामने बेहद गिरा हुआ और शर्मिंदगी से भरा हुआ महसूस करते हैं और जीन को इन सब चीजों का जिम्मेदार ठहराते हैं कि बच्चों के दिमाग में ये सब चीजें उसी ने भरी हैं। जिसके बाद ओटिस अपनी माँ की साइड लेता है और फिर स्कूल बोर्ड ऑफ चेयर ग्रूफ को कुछ वक्त के लिए छुट्टियों पर भेज देते हैं। अब जैसे ही सीजन 2 खत्म होने के करीब आता है, ओटिस महसूस करता है कि उसकी ट्रू फीलिंग सिर्फ मेव के लिए है और वो ये बात उसे बताने की ठान लेता है। जब उसे ये बात बताने जा रहा होता है तो मेव अपने घर पर नहीं होती, तो उसके पड़ोसी आइजैक से मिलता है। ओटिस आइजैक को बोलता है कि मेव को बोल देना कि वो अपने वॉइस मेल वाले मैसेज को देख ले और वहाँ से चला जाता है। आइजैक वो मेल्स सुनता है। ओटिस ने मेव के लिए जो मेल्स भेजे थे, जहाँ उसने अपनी दिल की सारी बातें, दिल की सारी फीलिंग्स बोल दी थी, वो सब आइजैक मेव के सुनने से पहले ही डिलीट कर देता है और यहीं पर सेक्स एजुकेशन का सीजन 2 खत्म हो जाता है।